नजारा जो आप देख रहे हैं ये नजारा है रामलीला मैदान का। जी हाँ, दिल्ली का रामलीला मैदान जो है आज पूरा खचाखच भरा हुआ है और बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हाथों में आप सभी के पोस्टर है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इस दौरान यहाँ पर सुशासन राज्य की मांग जो है वो तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर कर रही है। हर किसी की अगर बात करें तो हर कोई आज स्वशासी राज्य की मांग यहां पर कर रहा है। चारों तरफ सिर्फ एक ही शोर यहां पर नजर आ रहा है। जी हाँ, तो ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर तमाम महिलाएं और पुरुष जो है वो हाथों में पोस्टर लेकर अपनी मांग जो है वो पूरा कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। दरअसल यहाँ पर 32 साल से ये लोग जो है वो लगातार इसी तरीके से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं लेकिन इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। दरअसल इन लोगों की मांग है स्वशासी राज्य को लेकर जो 32 साल से लगातार ये मांगते आ रहे हैं। अगर बात की जाए 2014 को लेकर तो लोकसभा का चुनाव जिस वक्त हुआ था उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह वादा किया था असम की तमाम जनता से कि अगर केंद्र के भीतर बीजेपी की सत्ता आती है यानी कि बीजेपी की सरकार बनती है तो स्वशासी राज्य की जो मांग है उसको हम जरूर पूरा करेंगे। लेकिन केंद्र के भीतर बीजेपी की सरकार बन चुकी है उसके बाद भी इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं और इसी के चलते लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। असम की अगर बात करें तो असम में ये लोग लगातार आंदोलन करते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं और आज ये लोग पहुंचे हुए हैं दिल्ली। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इनकी ये मांगे पूरी हो भी पाएंगी या फिर नहीं। कैमरा पर्सन अरुण के साथ रेशु त्यागी, डीमी न्यूज़।